हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टार शाइन टीवी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में दया भाभी की वापसी को लेकर एक खुशखबरी लेकर आया हूं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये सब जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा सीरियल में दो बड़े राज अभी तक नहीं खुले हैं। पहला राज तो ये है कि पत्रकार पोपटलाल की शादी कब होगी, और दूसरा राज ये है कि दया भाभी के सीरियल में वापसी कब होने वाली है। और हर कोई इन दोनों राज के बारे में जानना चाहता है, और स्पेशली दया भाभी की वापसी सीरियल में हर कोई चाहता है। तो दोस्तों, यहां पर पोपटलाल की शादी के बारे में शो के मेकर अभिषेक कुमार मोदी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 2021 तक पोपटलाल की शादी करवा देंगे। तो यहां पर 2021 में यानी कि इसी साल आपको पोपटलाल की शादी देखने को मिल सकती है। और दूसरा बड़ा राज यहाँ पर दोस्तों ये है कि दया भाभी के सीरियल में वापसी कब होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस साल 2021 के मिड तक आपको दया भाभी की वापसी सीरियल में फिर से देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी के टाइम में तारक मेहता के उल्टा चश्मा सीरियल में रिसेंट एपिसोड्स में कई बार दया भाभी का जिक्र होता रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अच्छे खासे चांसेस हैं कि दया भाभी की वापसी आपको सीरियल में फिर से देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, यहां पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप सीरियल में अगर दया भाभी की वापसी होती है तो नई दया भाभी को देखना चाहेंगे या फिर पुरानी दया भाभी को देखना चाहेंगे, जो कि दिशा बकानी थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और दया भाभी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। और तारक मेहता के उल्टा चश्मा सीरियल की हर न्यू अपडेट के लिए चैनल को नीचे रेड कलर का बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।